मनावर में एक क्षेत्रीय संगठन से जुड़े युवक को अपने जन्मदिन पर कट्टा लहराकर वीडियो वायरल करना महंगा पड़ गया, जहां पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मनावर के एक क्षेत्रीय संगठन से जुड़े युवक को अपने जन्मदिन पर अवैध देसी कट्टा और तलवार लहराकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना महंगा पड़ गया। वहीं पुलिस ने उसी वीडियो के जरिए युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक अन्य व्यक्ति को 12 बोर का देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर घूमते रंगे हाथों पकड़ा। थाना मनावर को सूचना मिली कि ग्राम बागलिया में एक व्यक्ति है कार्तिक प्रताप वर्ष, ये अवैध हथियार देसी कट्टा लेके जो है स्कूल के पास घूम रहा है। इस पर से थाना प्रभारी मनावर ब्रजेश मालवी की टीम संस्कृत के अलावा नीरज कोसले और राजेश हाड़ा के साथ के द्वारा मौके पर आकर दबिश दी गई और उसको पकड़ा गया। इसके कब्जे से जो है 12 बोर का कट्टा और 12 बोर राउंड पुलिस ने जब्त किया और विधिवत जो है विरुद्ध कार्रवाई की। दूसरा मामला भी सर, एक मामला और है। इसमें एक चौकी तो प्रभारी सिंघाना को एक सूचना मिली थी कि घनपुर पे मनशाराम नाम का व्यक्ति है, मोटरसाइकिल से जा रहा है और इसके पास में जो कि अवैध हथियार पिस्टल रखा हुआ है। इस पर से तत्काल जो है थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित की गई और टीम को घनपुर रवाना किया गया। वहाँ पर जो मुखबिर की जो सूचना थी वो सत्य पाई गई और उसको आरोपी को पकड़ा गया। तो तलाशी में इसके पास में एक पिस्टल कंट्री मेड और राउंड जो है वो प्राप्त हुआ है। और ये जो आरोपी है मनशाराम पिता दत्तू बिल्लोर, इसके विरुद्ध थाना कुक्षी में भी हत्या और छेड़छाड़ इत्यादि के मामले जहाँ पूर्व से दर्ज। पकड़े गए दोनों आरोपियों से अवैध 12 बोर के 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। दोनों ही मामले में मनावर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मनावर।